बात केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई। भगवान शिव के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यात्रा शुरू होने के सिर्फ 4 दिन के अंदर ही यहां पहुंचने वालों का जो श्रद्धालु है उसका आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस साल यात्रा शुरू होने के बाद सिर्फ 4 दिनों में यहां 1,02,499 श्रद्धालु पहुंचे, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। भगवान शिव के प्रति आस्था का ये सैलाब हर बीते दिन के साथ और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। देश विदेश से यहां पहुंच रहे भक्तों की यात्रा को सुगम और मंगलमय बनाने के लिए प्रशासन ने भी सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। इसके लिए करीब 1,000 अधिकारी कर्मचारी और सुरक्षा बल ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। सुगमता पूर्वक भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी बार मैं इधर आया तो मैं 3 साल काफी चेंज नजर आया। सभी श्रद्धालु को ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सभी यहाँ पे आओ, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करो। दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर पंचायत केदारनाथ और सुलभ इंटरनेशनल पूरे यात्रा मार्ग से लेकर केदारपुरी तक रोजाना हर घंटे रास्तों, शौचालयों, पगडंडियों से लेकर अन्य सभी स्थानों की सफाई करते हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है और आज जो है जब मैं गौरीकुंड से ऊपर चल रहा था तो पहली बार मुझे ऐसा दिखा है कि उस कर्मचारी हैं वो सूखा और गीला कूड़ा अलग करके उसको अलग पृथक्करण करके उसको फॉरवर्ड लिंकेज के लिए भेज रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव प्रयास है जो कि स्वच्छ केदारनाथ के लिए एक अच्छी पहल है। शुरुआती दिनों में ही जिस प्रकार यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। यहाँ प्रशासन और स्थानीय संगठनों की ओर से जो इंतजाम किए गए हैं उनसे भक्तों को सुगमता पूर्वक भगवान भोलेनाथ के दर्शन मिल सकेंगे। संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत।